प्रदेश के फतेहपुर के छोटे से गांव अमौली से निकल के मनोरंजन की दुनिया में नाम कमा रहे अभिनेता दिलीप आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनको यूपी गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। सर सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका एक फिल्मी करियर में आना है, बचपन से फिल्मी करियर में आने का सफर कैसा रहा? मुश्किल है? वैसे तो आजकल सभी काम मुश्किल है, थोड़ा एक्टर बनना ज्यादा मुश्किल है कि जब से सोशल मीडिया आ गया तो सब लोग एक्टिंग करने लगे, डांस करने लगे, तो जो ट्रेंड एक्टर है उनके लिए चैलेंज ज्यादा हो गया, तो मुश्किल था। अभी आपके सूत्रों के मुताबिक एक आने वाली फिल्म है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनाई जा रही है, जिसके मुख्य अभिनेता आप हैं, क्या फिल्म और क्या मुख्य किरदार है? अभी उसकी बातें चली हैं, प्रोड्यूसर तक आए हैं, लेकिन अभी प्रोड्यूसर की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया कि मुख्यमंत्री जी ने उनको अनुमति दी है, वो देंगे तो फिर काम आएगा। सर योगी जी के किरदार में आप नजर आएंगे तो क्या नाम ही इतना बड़ा है, व्यक्तित्व इतना बड़ा है, तो एक बार चीजें लॉक हो जाए फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। सर आगे भी आपकी कोई आने वाली फिल्म है? हाँ, मेरा बिहड़ का बागी सीजन 2 आने वाला है, उसकी बात चल रही है चैनल के साथ। मेरी एक फिल्म है परसा बाजार, वो आने वाली है। एक और आर्मी बेस्ड फिल्म है, वो आने वाली है। 15 अगस्त में मेरा एक बहुत बड़ा गाना आया, जानकारी के सामने गाया शहीदी, जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत चर्चित हुआ, आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। खाली शहीदी डालिए आपको गाना दिखेगा, बहुत प्यार मिला लोगों। सर जो आपका करियर रहा है बचपन से लेकर अभी तक, ये जो फिल्मी करियर रहा है उसमें किस किस तरीके से आप आगे बढ़े और यहाँ तक पहुँचे, आज सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं आप? ये निरंतर प्रक्रिया है, आप लगे रहते हैं, हार नहीं मानते हैं तो ऊपर वाला बैठा है, वो कहने के लिए आएगा। सर आप अपने परिवार से निकले हुए क्या एक अकेले अभिनेता हैं, या इससे पहले भी आपके पिताजी या कोई परिवार में अभिनेता रहे? नहीं, हम तो मजदूर के बेटे हैं, हमारे फादर मजदूरी करते हैं, भाई मजदूरी करते हैं, तो मैं महोदय जी से बहुत बहुत धन्यवाद सर प्राइम से बात करने के लिए। ये हमारे साथ बात करने के लिए अभिनेता दिलीप आर्य जी के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बचपन से लेकर के उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, आज एक यूपी गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इन्हें, और आने वाली फिल्म अगर एनओसी मिलती है तो योगी जी के किरदार में नजर आएंगे। प्रदेश में इस वक्त